हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे YT स्टूडियो एप्लीकेशन के बारे में, मतलब कि YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, जो लोग अभी मेरी तरह न्यू यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने जस्ट अभी अभी अपना चैनल शुरू करा है, तो जिन लोगों के पास PC नहीं है, मतलब कि कंप्यूटर नहीं है, वो लोग अपना जो सब्सक्राइबर्स है, व्यूज़ है और कमेंट्स है, वो मोबाइल में किसी ब्राउज़र से जाके मैनेज करते होंगे। तो फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए YouTube ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी हुई है, जिसका नाम है YT स्टूडियो, मतलब कि YouTube स्टूडियो। फ्रेंड्स, उस एप्लीकेशन के अंदर आप बिना किसी ब्राउज़र की हेल्प से, उस एप्लीकेशन के अंदर आप अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स और अपने सब्सक्राइबर्स बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास हमारी YT स्टूडियो एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों के साथ, कई लोगों के साथ इस एप्लीकेशन में एक ये दिक्कत आती होगी कि आप इसे ओपन करते होंगे तो ये इंटरफेस आपका यहीं पे स्टॉप हो जाता होगा, इससे आगे ये बढ़ते ही नहीं होगा, मतलब ये चलते ही नहीं होगा, ये यहाँ पे आके आपका इंटरफेस रुक जाता होगा। फ्रेंड्स, ये दिक्कत मेरे साथ ही भी आई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दी जाए कि फ्यूचर में आप लोगों को दिक्कत ना आए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के साथ ऐसी दिक्कत आती है, इससे आगे आपका इंटरफेस नहीं बढ़ता, एप्लीकेशन ऑन नहीं होती, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है और आपका एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको अपनी ये सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ अपनी इसके गूगल उसका ऑप्शन देखना है, जिसमें गूगल अकाउंट्स वगैरह होते हैं आपके। और फ्रेंड्स, आपको अपने अकाउंट्स जो होगी, गूगल के अकाउंट्स होते हैं, वो ओपन करने हैं। जैसे कि अकाउंट्स में जाके, गूगल में जाके, ये देखिए मेरे फ़ोन में इस टाइम 3 अकाउंट है। अगर आपके फ़ोन में जितने भी अकाउंट है, 1 है 2 है 3 है 4 है, जितने भी अकाउंट हैं, आपको कुछ नहीं करना, उन सब अकाउंट्स को अपने फ़ोन से रिमूव करना है, सभी अकाउंट्स को रिमूव करना है, एक भी नहीं छोड़ना। जैसे कि ये अकाउंट है, यहाँ जाके इसको रिमूव कर देना है। तो सारे अकाउंट्स रिमूव करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको वापस जाना है। वापस जाने के बाद यहाँ हिस्ट्री से सब कुछ क्लियर कर देना है। तो सब कुछ क्लियर कर देने के बाद आपको अपने YT स्टूडियो ऐप को ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, अब ये नोट कनेक्टेड बता रहा है, क्योंकि मेरा नेटवर्क बंद है। आपको नेट ऑन करके अपने YT स्टूडियो ऐप को ओपन करना है। फ्रेंड्स, मेरा तो ओपन हो गया, क्योंकि मैंने पहले लॉगिन कर रखा है। तो आपको ये कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये इतना मांगेगा कि आपके फ़ोन में कोई भी नहीं ID नहीं होगी, तो आपको ये ईमेल ID मांगेगा, जो कि आपके YouTube चैनल से लिंक है, वो आपको ईमेल ID डालनी है। उसके बाद यहाँ एक पासवर्ड मांगेगा, आपको इस पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट करने के बाद लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन हो जाएगा, तो आपका साथ के साथ ऐप एकदम खुल जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स, तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। और फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये जो हमारी वीडियो है स्मार्ट बैंड M3 अनबॉक्सिंग की, इसका एक मैंने अनाउंसमेंट करी थी कि जैसे 600 सब्सक्राइबर्स चैनल पे पूरे हो जाएंगे, इसका हम गिव अवे करेंगे। तो जाइए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। दोबारा मिलेंगे हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।